अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना चैनल मोनेटाइज किस तरह से कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। आप अपना चैनल मोनेटाइज किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको लेके आ जाता हूँ अपने चैनल की तरफ। तो ये देखें, ये मेरा चैनल है। मैंने 5 मंथ्स पहले इसको स्टार्ट किया था, बिल्कुल न्यू था, मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। सिर्फ ये था कि वीडियो बनानी है, साथ साथ मैं सीखता रहा SEO किस तरह से करते हैं, बाकी कंटेंट के बारे में सारी चीज़ें मैं सीखता रहा साथ साथ। तो आप देखें यहाँ पर जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी वो नवम्बर 5 को थी। तो मुझे एग्जैक्ट 5 मंथ्स हो गए, मैंने विद इन 5 मंथ्स अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया। ये देखें डॉलर का साइन आ रहा है, ये मोनेटाइजेशन ऑन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने विद इन 5 मंथ्स अपना चैनल मोनेटाइज करवाया। लेकिन मुझे चूंकि बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से आपको सब्सक्राइबर इंक्रीज किस तरह से करना है, वॉच टाइम किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है ना, वो होता है कि वॉच टाइम कम्प्लीट करना। वॉच टाइम कम्प्लीट करना सबसे मुश्किल है। सब्सक्राइबर भी आप किस ना किस तरह से कर लेते हैं, लेकिन वॉच टाइम कम्प्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वॉच टाइम किस तरह से कंप्लीट करते हैं, किस तरह से आप चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो आ जाते हैं जी, हम सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है कि आपको आपने अपना चैनल बना लिया, चैनल बन गया आपका, वीडियोस आपने डालना शुरू कर दी। वीडियो की आपने जाहिर है उसमें चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना है कि SEO आपने किस तरह से करनी है, चैनल का कॉन्टेंट आपने देखना है कि कॉन्टेंट आपका किस तरह से होना चाहिए। अगर एक कॉन्टेंट पर बना रहे हैं किसी भी किस्म का कंटेंट है, तो आपका वो समझे कि आपका वो पैशन होना चाहिए, उसको पैशन की तरह लेके चले, ना कि सिर्फ आप टाइम पास उसके साथ करें कि ठीक है टाइम पास कर रहे हैं कोई मसला नहीं, अगर हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई भी कंटेंट बनाना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो आपने उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपने प्रॉपर उसको टाइम देना है। ये ऐसा काम है यूट्यूब का, अगर आपने देखें 3 मंथ्स का मैंने आपको बोला है, तो 3 मंथ्स में आपको दिन रात अगर आप एक करेंगे फिर जाके आपका होना है, और आपको सिंगल पैनी भी आपको पे नहीं करनी, कुछ आपको पे नहीं करना, फ्री में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपको कुछ भी पे नहीं करना, किसी बंदे को आपने ये नहीं कहना कि मुझे व्यूज़ ला दो, मुझे वॉच टाइम ला दो, मैं आपको पे करता हूँ, मुझे परचेज करना, कुछ भी नहीं आपको करना। आपने सिंपल, मैं आपको जो स्टेप्स बताऊँगा, जो चीज़ें बताऊँगा, आपने उन पर फोकस करना है, और आप इस तरह से आराम से 3 मंथ्स के अंदर आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसके लिए। मेरा, मैंने आपको बताया कि मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था, मैंने बिल्कुल स्टार्ट न्यू स्टार्ट लिया था, मैंने साथ साथ मैंने चीज़ें सीखी, तो सीखने के साथ साथ अब मुझे इतना हो गया है, कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 मंथ्स के अंदर, अब अगर मैं कोई नया चैनल बनाऊँ तो मैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर ईजिली उसको मोनेटाइज करवा सकता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मेरे चैनल पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, ये 13 वीडियोज़ है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है, ऑल दो ये बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी बड़ी लेंथ की वीडियोज़ हैं, तो लॉन्ग वीडियोस मैंने बनाई थी, चूँकि मेरा कंटेंट ऐसा था अमेज़ॉन से रिलेटेड था, तो मैंने बड़े लंबी लंबी वीडियोस बनाई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है, तो आप छोटी वीडियोस भी बना सकते हैं, आप 5 मिनट की वीडियो बना लें, 10 मिनट की कर लें, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना बनाएँ। तो मैं देखें आपके सामने, मैं सिर्फ 13 वीडियोज़ मैंने अपलोड की, और यहाँ पर आप व्यूज़ भी इनके देख सकते हैं, व्यूज़ जितने भी वीडियोज़ के व्यूज़ हैं 1.4K, 1.3K, यहाँ पे देखें 1.6K, यहाँ पे 2.6K, 2.7K, तो ये देखें 3K, तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आए हैं। ये मैंने बिल्कुल नया स्टार्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि व्यूज़ भी यहाँ पे अच्छे आ गए हैं। तो वो व्यूज़ किस तरह से आए हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आ जाता हूँ फेसबुक पे, मैं आ जाता हूँ। सबसे पहला जो आपने काम करना होता है ना, वो आपने ये करना होता है कि आपने फेसबुक से, आपके पास कैसे कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपके पास होता है कि आपकी वीडियो आपने कोई डाली और वो फ़ौरन से वायरल होगी, बहुत सारी होते हैं, लेकिन आप देखें कि लाखों में से कोई 2-4 लोग होते हैं जिनकी वीडियोज़ वायरल होती है। अब हर बंदे की वीडियो वायरल तो हो नहीं सकती, तो ऐसा तो होगा नहीं, कुछ लोगों की वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, कुछ की नहीं होती, लाखों में से कोई 2-4 की वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं जिनका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता है, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज उसके कंप्लीट हो जाते हैं, और उनका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अब आपकी, फ़र्ज़ करें आपकी वीडियो वायरल नहीं होती या हर बंदे की नहीं हो सकती, तो अब जिनकी वायरल नहीं होती उन्होंने किस तरह से काम करना है, उन्होंने क्या करना है,
उन्होंने आपने कंटेंट पे काम करना है, आपने एसईओ पे काम करना है, वीडियो की एसईओ किस तरह से करनी है, थंबनेल किस तरह से बनाने हैं, उस पर वर्किंग करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। और साथ साथ आपने एक और चीज़ क्या करनी है, आपने क्या करना है कि अब वॉच टाइम आपने कंप्लीट करना है, तो वॉच टाइम आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे, आप आ जाएंगे जी फेसबुक पे। फेसबुक पे आपने सर्च करना है सब फॉर सब। अब ये देखिए, ये मैंने सब फॉर सब सर्च कर लिया। अब सब फॉर सब का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखें बहुत सारे आपके पास ग्रुप्स आ जाएंगे। जब आप सब फॉर सब करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखें सब फॉर सब यूट्यूब आ गया आपके पास, इसमें 77 के मेंबर्स हैं, यहाँ पे 55 हैं, यहाँ पे आप देखें 48 हैं। तो देखें बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ग्रुप्स हैं, ये देखो 500,000 से ऊपर यहाँ पे मेंबर्स हैं। तो इस तरह के आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। यहाँ पे जब आप ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा उसका क्या होगा, फर्ज करें ये आपके पास ग्रुप आ गया जी, ये आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि अपने ग्रुप्स के लिए यहाँ पे आप देखें क्या करते हैं लोग के पोस्ट करते हैं 15 vs 15। ये देखें लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे अपनी क्या करते हैं कुछ लोग अपनी वीडियो लगा देते हैं, यहाँ पे नीचे लोग उनके साथ सब्सक्राइबर एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, सब्सक्राइबर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी ने पोस्ट की हुई है, तो देखें डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट पोस्ट की हुई हैं। तो लोग जो नीचे होते हैं, जो ऑलरेडी जिनके यूट्यूब चैनल है, वो आपके साथ सब्सक्राइबर एक्सचेंज करते हैं, वॉच टाइम एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ से आपके चांसेस होते हैं कि आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप आ जाता है, ये आपके पास आ गया 1000 सब्सक्राइबर 4K आवर वॉच टाइम। तो ये वॉच टाइम भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें अक्सर लोगों ने यहाँ पे नीड 4K वॉच टाइम आवर, डिफरेंट लोगों ने सब वर्सेस सब करते हैं। और यहाँ पे देखें इनके ना चैट के ऑप्शंस होते हैं, अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको चैट के ऑप्शंस भी इनके नज़र आ रहे होंगे, तो आप इनके चैट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने की हुई है बहुत सारे ग्रुप्स की, मैंने चैट्स यहाँ पे ज्वाइन की हुई है। तो ये देखें कम्युनिटीज़ में आप, मैं निकालता हूँ यहाँ पे, आप देखें ग्रुप्स की जो चैट इनके ग्रुप्स हैं, तो ये देखें डिफरेंट यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास। ये देखें आप यहाँ पे आप वॉच टाइम भी कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे और भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे और भी आपके पास आ जाएंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग वॉच टाइम भी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी एक्सचेंज कर रहे हैं, और इस तरह के डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें ये ग्रुप मैंने एक ओपन किया, तो यहाँ पे आप देखें लोग सब्सक्राइबर भी एक्सचेंज कर रहे हैं और यहाँ पे वॉच टाइम भी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो डिफरेंट आपको इस तरह के ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपके साथ लोग, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे आपको कुछ ऑनेस्ट मिलेंगे लोग, कुछ चीट करने वाले भी मिलेंगे, तो वो उस चीज़ को आपने खुद देखना है कि आपने चीटर जो होंगे उनसे बचना है आपने। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हर बंदे के साथ आपने, अक्सर लोग होते हैं 15 vs 15 कर लेते हैं, सब्सक्राइबर एक्सचेंज करते हैं 10 vs 10, आप उनसे बचें। आप कोशिश करें कि 1 vs 1, जो 1 1 सब्सक्राइबर एक्सचेंज करें, एक आप उसको सब्सक्राइबर दें और एक वो आपको दे दे, इस तरह आप करें। आप 4-5 IDs बना लें, 6 IDs बना लें, डिफरेंट ग्रुप्स आप इस तरह से ज्वाइन कर लें। तो इन ग्रुप्स के आपके जो चैट होती है, वहाँ पे चैट में जाएं आप, वहाँ पे आप जाके तो वहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये देखें यहाँ पे जैसे ये ग्रुप है, यहाँ पे भी लोगों ने, ये देखें 9 आवर्स एक्सचेंज वॉच टाइम एनी वन इंटरेस्टेड, यहाँ पे 4 आवर्स। तो डिफरेंट लोगों ने इस तरह से किए होते हैं मैसेजेस, तो आप इनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ अच्छे भी ग्रुप्स होते हैं, कुछ अच्छे ऑनेस्ट लोग मिलकर भी ग्रुप बना लेते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए। कहीं पे चीटर भी होते हैं तो वहाँ से आपको बचना पड़ता है, वो आपने देखना है उनको। इस तरह ग्रुप्स में डिफरेंट टास्क लगते हैं, आपने उन टास्क, जो टास्क लगेंगे उनको कंप्लीट करना है। वहाँ से आपको कुछ टास्क होते हैं 10 आवर्स के, कुछ होते हैं 5 आवर्स के, इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स के डेली टास्क लगते हैं। तो आप 4-5 ग्रुप्स ज्वाइन करें, इस तरह डिफरेंट इंडिविजुअल लोगों के साथ एक्सचेंज करें, तो आपका विद इन 3 मंथ्स आप एवरेज अपनी बना लें कि आपने डेली के 40 to 50 आवर्स आपने एक्सचेंज करने हैं। 4-5 ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें, फिर इसी तरह आप जो इंडिविजुअल भी लोगों के साथ करें, 5-6 आपकी आईडीज़ हों जिनके साथ आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो आप इजीली
विद इन 3 मंथ्स आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि वॉच टाइम आप कंप्लीट नहीं कर सकते, और सबसे मुश्किल भी यही होता है कि वॉच टाइम कंप्लीट करना। फिर एक और चीज़ भी होती है कि जब आप यहाँ पे जब आप करते हैं ना मैसेंजर पे लोगों के साथ, तो यहाँ से क्या होता है डिफरेंट लोगों के साथ जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप रिकमेंड कर देते हैं। वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप अक्सर लोगों ने बनाए होते हैं। यहाँ पे एक ही ग्रुप में अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो जो एडमिन होते हैं, जिन्होंने अपने अलग से भी ग्रुप बनाया, वो आपको उस ग्रुप में भी ऐड कर देते हैं। फिर कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ले जाते हैं वो, तो वहाँ से भी आपको चांस बन जाते हैं, और से और लोगों के साथ आपके लिंक्स बनते हैं, आप कनेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ। तो इस तरह आपका जो है वॉच टाइम जो कंप्लीट करना वो भी ईजी हो जाता है। आपको डिफरेंट रीजन्स के लोग मिल जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आप जब ज्वाइन करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान से हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिंक्स में USA से भी आ गए, UAE से भी आ गए, सऊदी अरेबिया से भी आ गए, इस तरह इंडिया से भी आए, डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब कि जितनी भी आप देखें कि टर्की से भी आए, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट बन गया, उनके साथ मैं एक्सचेंज करता रहा। तो इसी तरह मैंने करके अपना वॉच टाइम कम्प्लीट किया। तो आपने भी इसी तरह अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और इस तरह अगर आप करेंगे, तो आपके इजीली आपके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका वॉच टाइम भी वो जो 4000 आवर्स है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे इजीली। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप मेहनत करेंगे, लेकिन इसके लिए ये है कि दिन रात आपको एक करना पड़ेगा, टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा, तो फिर ही जाके आपका वॉच टाइम कम्प्लीट होना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अप्लाई करते हैं मनीटाइजेशन के लिए, किस तरह से अप्लाई करते हैं, वो मैं सारा आपको प्रोसेस बताऊंगा। मनीटाइज कितने टाइम में हो जाता है, कितना उसमें टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, वो जो सारी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ठीक तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक आज की हमारी वीडियो थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।